हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आज हम मिक्स अचार बनाएंगे। गाजर, शलगम, गोभी, हरी मिर्च ले लिया मोटी वाली, और लहसुन, अदरक, और इधर मैंने आधी किलो आंवला भी ले लिया है। तो आंवला मैंने स्टीम कर लिया है ये, और इधर गाजरे लिए हैं, गाजरे 2 किलो ले लिए हैं, और शलगम मैंने आधी किलो ले लिया है, ये भी स्टीम कर लिया है मैंने गर्म पानी करके, नमक डाल के, और इन्हें पानी में से निकाल लिया है। ऐसे ही मैंने 1 किलो गोभी ली है, ये इसे भी मैंने गर्म पानी में से निकाल लिया है स्टीम लगा के हल्का सा। बाकी लहसुन अदरक को हम ऐसे ही डालेंगे और मिर्च को भी ऐसे ही डालेंगे। तो लंबा लंबा काट लेंगे इन्हें ऐसे, शलगम और गाजर को। और इधर है गुड़ ले लिया मैंने, तो गुड़ की ये सिर्फ हम 2 डली यूज़ करेंगे अचार में। सरसों का तेल लेंगे, 1 किलो तेल मिल जाएगा इसमें, पहले हम आधी किलो यूज़ करेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, और मसाले में मैंने ये 4 बड़े चम्मच लाल मिर्च ले लिए, और 3 चम्मच हल्दी है, 3 ही चम्मच धनिया पाउडर है। नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर जाएगा इसमें। और साबुत मसाले में सरसों के दाने हैं 1 छोटी कटोरी, यानी ये होएगा 6 चम्मच होएंगे बड़े वाले। ऐसे साबुत धनिया ले लिया 6 चम्मच, 3 चम्मच अजवाइन है, और 3 ही चम्मच मेथी दाना है, और 2 चम्मच मैं इसमें हींग डाल लूँगी, ऑप्शनल है। इतना हमने ये साबुत धनिया लिया है, उतनी हम सौंफ ले लेंगे मोटी वाली, और कलौंजी ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो तो बिल्कुल इसका आधा डालेंगे हम सौंफ का। ये हमारी ये सब्जी है जो, ये थोड़ी इनमें गीलापन है, तो इन्हें हम पंखे के नीचे या धूप में 3 से 4 घंटे के लिए इसका पानी सुखा लेंगे, फिर हम अचार डालेंगे इसका। सब्जियों का सारा पानी सुखा लिया है मैंने पंखे के नीचे 4 घंटे के लिए। और इधर मैंने कढ़ाई गैस जला ली, और कढ़ाई रख के सौंफ डाल दिया इसमें। जो भी साबुत सारे मसाले हैं सब कुछ डाल लेंगे इसमें, इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि हम इसे पीस पाएं। इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे पहले, और कलौंजी में ऊपर से डाल लूँगी, उसे नहीं भूनूंगी। इसको अब बंद कर लेते हैं हम, सिर्फ 2 मिनट के लिए भूना है मैंने इन्हें। हम सबसे पहले मिक्सी में पीस लेंगे थोड़ा मोटा मोटा। सारे साबुत मसाले पीस लिए हैं मैंने, और कढ़ाई गैस पे रखी हुई है। इसमें मैं पूरा 1/2 किलो तेल डाल दूंगी सरसों का। आप जौन सा भी सरसों का तेल खाते हैं वो यूज़ कर सकते हो, इसके बारे में आपको पता है, आप सरसों का तेल का अचार बना रहे हैं वही तेल डालें इसमें। तो मैंने पूरा 1/2 किलो तेल डाल लिया है, अगर हमें बाद में ज़रूरत लगेगी अचार में डालने की तो डाल सकते हैं। अब हम ये गुड़ को तोड़ लेंगे, तो मैं चाकू से ही कर लूँगी तो सही हो जाता है। ये तेल एकदम गर्म हो गया है, अब हम गैस को बंद कर लेंगे, और ये अदरक और लहसुन डालेंगे सबसे पहले इसमें, आराम से डालेंगे, पट्टी से चला लेंगे इसे। और यहीं पे मैं हींग डाल लूँगी 2 चम्मच। अब हम इसमें सारे मसाले मिक्स करेंगे पिसे हुए। मसाले ये गरम तेल में ही पक जाएंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं गुड़ भी डाल लूंगी, थोड़ा गल जाएगा गुड़ इसमें। और आप इसमें खटाई की जगह इसमें आप अमचूर डाल सकते हो, और साबुत नींबू लेके उसकी 4-5 छोटी छोटी फाड़ियाँ करके 1/2 किलो या 250 ग्राम नींबू भी डाल सकते हैं इसमें। तो मैं नींबू और अमचूर की बजाय इसमें सिरका डाल लूँगी। अब हम इसमें नमक डाल लेंगे। मैंने पानी में भी नमक डाला था, इसलिए मैं 4 चम्मच नमक डाल लूँगी इसमें। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच कलौंजी डाल लूँगी, और जो पिसे हुए मसाले हैं, साबुत मसाला जो था वो इसी में मिक्स कर लेंगे सारा। अब सारी सब्जियां इसमें डाल लेंगे, आंवला भी है इसमें, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे। मैं इसमें मिर्चें भी सारी मिक्स कर लूंगी। मसाले में सारा अचार मिल चुका है, अब मैं इसमें सिरका डालूंगी।
तो जो कड़छी होती है उससे एक कड़छी डाल लेंगे, इससे अचार खराब भी नहीं होएगा। और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, और इसे ठंडा होने के बाद हम किसी मर्तबान या जार में भर के रख लेंगे। तो अचार ये तैयार, हफ्ता लग जाएगा इस अचार को तैयार होने में, और इसे बीच बीच में हम धूप दिखाते रहेंगे।